नमस्कार दोस्तों, सीएस मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिंदगी के हर एक क्षण, हर एक पल हमें खुशी से बिताना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट में हम ये थे, हम ये करते थे, और फ्यूचर की प्लानिंग में पूरा वक्त हमारा, हमारे जिंदगी के जो अमूल्य पल हैं उसको बिताते हैं। दोस्तों, जिंदगी ना तो पास्ट में है ना तो फ्यूचर में है, जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट में है, वर्तमान में ही जीवन है। आप हर एक पल को, अपने जिंदगी के हर एक पल को खुशियों से, खुशी से बिताएं। पता नहीं कौन से पल क्या हो जाए, इसीलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, यूनान में यानी कि ग्रीस, एक बार ऐसा हुआ, ग्रीस के जो सम्राट थे, वो सम्राट ने उनके ही जो दरबार के वजीर थे, कुछ गलती की वजह से उस वजीर को सम्राट ने फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी की सजा सुनाई, उस वक्त वो वजीर वहाँ उस दरबार में मौजूद नहीं थे। उस वक्त वो अपना जन्मदिन मना रहे थे अपने घर पर ही। सम्राट ने फांसी की सजा सुना दी और सैनिकों को और सूचना मंत्रियों को कह दिया कि जाओ वजीर को जाके कह दो कि उनको आज शाम को 6 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। दोस्तों, उनकी फांसी का जो वक्त था वो शाम को 6 बजे का मुकर्रर किया गया। सैनिक गए सूचना मंत्री के साथ और वजीर के घर पे जाके देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ पे वजीर का जन्मदिन था तो जश्न मनाया जा रहा था, खुशी में सब झूम रहे थे। तब जाके सूचना मंत्री और सैनिक ने ये बात जो सम्राट ने बताई थी वो बात वजीर को बताई। वजीर को बोला कि आपको फांसी की सजा दी गई है सम्राट ने और शाम को 6 बजे आपको फांसी का समय आपका मुकर्रर किया गया है। तो जो पार्टी चल रही थी, जो जश्न मनाया जा रहा था, उस जश्न में सब अचंभित हो गए। सब ये कहने लगे कि ये क्या हो गया, अब क्या, अब वजीर अब नहीं रहेंगे। तो सब बोलने लगे कि चलो ये जश्न रद्द करो, इसको अब हम ऐसे नहीं जश्न मना सकते। लेकिन वजीर ने कहा नहीं, हम जश्न मनाएंगे, और बहुत आग्रह के बाद जश्न फिर से शुरू किया गया। सैनिक और सूचना मंत्री ये सब देख रहे थे। फिर जाके सैनिक और सूचना मंत्री ने वजीर को, सम्राट को बताया कि बादशाह सलामत, हमने आपकी जो सूचना दी वो वजीर को दे दी है, लेकिन वजीर अपने घर पे जश्न मना रहा है, खुशियां बांट रहा है। तो सम्राट को लगा कि ये कैसा आदमी है, अपनी मौत की खबर सुन के भी जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है। सम्राट खुद वहां पे गए और वजीर को बोला कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी फांसी की सजा आज शाम को 6 बजे मुकर्रर की गई है। वजीर ने कहा हाँ बादशाह सलामत, मुझे पता है, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत बोले, क्यों शुक्रिया क्यों अदा करना चाहते हो? बादशाह सलामत, आपने मुझे 6 बजे तक का वक्त दिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं 6 बजे तक अपना जीवन पूरी तरह से, पूरी खुशियों से मैं जीना चाहता हूँ, मैं जी सकता हूँ, मेरे पास 6 बजे तक का समय है, 6 बजे तक मैं हर पल अपना जीवन खुशियों से भरना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और बहुत खुश भी हुए कि ये वजीर के पास समय की कितनी कीमत है, जो हर पल की कद्र करता है, हर पल की कीमत करता है, उस इंसान को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। तो बादशाह सलामत ने फांसी की सजा रद्द कर दी। दोस्तों, हमें ये छोटी सी स्टोरी से इतना तो अवश्य ज्ञान मिलता है कि हमारे जीवन में हर एक पल हमारे लिए बहुत ही कीमती है, हर पल हमें खुश रहना चाहिए, हर पल हमें खुशियों से बांटना चाहिए, हर पल हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हर एक पल जीवन में कीमती है, अमूल्य है, मूल्यवान है,
हर एक पल को हमें पूरे आनंद से जीना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए है, ना कि हम भूतकाल और भविष्यकाल में बस इस अपनी चिंताओं में खोए रहें या अपने प्लानिंग करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई प्लानिंग फेल होते हैं। तो वर्तमान में जिए, वर्तमान में आप जियोगे तो आपका भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में जाते जाते, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, ये हंसी जिंदगी की शाम आ जाए। मुझे ऐसे मौकों की तलाश है मेरे दोस्तों कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। शुक्रिया, धन्यवाद।